हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस व्लॉग में। और आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं लो चादर बेडशीट, जो कि आज ही आया है। और ये बहुत अच्छा है, मतलब ईद के लिए तो अच्छा है ही, और गर्मी का सीजन आ रहा है, आ ही गया है, गर्मी के लिए भी बहुत अच्छा है, जो कि अम्मी लेकर आई है मार्केट से। और अभी फिलहाल मार्केट से अम्मी लेकर आई है, लेकिन ये चादर ऑनलाइन भी मिल रहा है, सेम यही चादर ऑनलाइन भी मिल रहा है, बट आने के बाद पता चला है कि ऑनलाइन भी मिल रहा है, बट हम लोग का आया है मार्केट से। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए लो आप लोग, मैं दिखाती हूँ आप सब। अभी मैं ये आप लोग को दिखाती हूँ, ये दोनों जो कि अम्मी आज ही लेकर आई हैं, तो ये दोनों मैं अभी शेयर कर देती हूँ, और बाकी तीनों अगले वीडियो में शेयर कर दूँगी, जो कि कल आ जाएगा मेरा वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप सबको दिखा दूँ, ये वाला खोलती हूँ। ये है बेड शीट जो कि अम्मी लेकर आई हैं ईद के लिए, और ईद के लिए देखिए इस तरह का है कैटलॉग इसका, और सेम ऐसे ही है, कॉटन का है, बहुत अच्छा है। मैं तो नहीं गई थी मार्केट, अम्मी गई थी, मैं तो उसी दिन का गई थी जिस दिन का व्लॉग आप लोग देखे थे लोग, उसके बाद मैं मार्केट नहीं गई हूँ। ऐसे खुलेगा, हाँ। तो ये बेडशीट है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कपड़ा है, कलर भी बहुत प्यारा है, फैंसी कलर है, देखिए ऐसा है, कुछ ऐसे ही कैटलॉग है, सेम जैसा दिखाया सेम वैसे ही है बेडशीट इसका। चादर बहुत अच्छा है, और ये है चादर, और ये है तकिया, तकिया का खोल देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है। अम्मी अपने पसंद से लेके आई है, मैं मार्केट नहीं गई थी, अम्मी अपने पसंद से लेके आई है, और अम्मी का भी पसंद बहुत अच्छा है, सबका पसंद अच्छा है मेरे घर में। हम लोग कभी भी मार्केट जाते हैं लो, जिसको जो मर्जी वो उठा के लाते हैं लो, लेकिन सबको पसंद पड़ जाता है। अगर हम कुछ लेके आते हैं तो अम्मी को पसंद पड़ जाता है, अम्मी कुछ लेके आती हैं तो मेरे को पसंद पड़ जाता है, क्योंकि अच्छा लगता है। तो ये है तकिया का खोल जो कि बहुत अच्छा है। अम्मी क्यों बार बार गाना बजा रही है? गाना ना नहीं, है तो चलाइएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। अम्मी दो बार तो पहले गाना बजाइए, वीडियो में रोकी हूँ, काटी हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा मेरे व्लॉग में। और अब कह रही है कि ये गाना नहीं, ये कव्वाली है, कव्वाली हो या गाना हो, कॉपीराइट तो आ ही जाएगा। तो ये है दो तकिया का खोल, और ये है डबल बेड का चादर जो कि मैं अभी आप लोगों को कैसे खोल के दिखाऊं। तो फर्स्ट ये चादर है जो कि ईद के लिए अम्मी लेकर आई हैं अपने पसंद से। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए लो, और फिर दूसरा चादर मैं आप सबको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको फोल्ड कर दूँ, नहीं तो अम्मी कहेंगी बस इसका यही काम है, सब सामान इधर उधर करके रखती है। तो सबसे पहले इसको फोल्ड कर दूँ, तो हो गया। ये है पहला चादर जो कि चांद रात के दिन भी बिछ जाएगा या ईद के दिन, वो देखा जाएगा। लेकिन दो चादर अम्मी लेकर आई हैं, एक चांद रात वाले दिन के लिए, एक ईद वाले दिन के लिए। तो और एक ये है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला चादर जितना पसंद मुझको वो नहीं है ना, जितना अच्छा मुझे वो नहीं लग रहा उतना अच्छा मुझे ये लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ना चादर या कपड़ा मुझे उतना, मतलब हल्का कलर पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा डार्क कलर पसंद है, तो इसीलिए ये उतना डार्क नहीं है, डार्क है, लाइट भी है, सब कुछ है इसमें। क्योंकि इसमें देखिए वाइट है, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, और ये कौन सा कलर है, हल्का ऑरेंज है। तो ऐसा चादर मुझे अच्छा लगता है, जो कि बिछाओ ना तो, मतलब अगर बिस्तर करो ना, बेड पे बिछाओ तो एकदम मतलब खिला खिला लगे, हाँ वैसा चादर मुझे पसंद है। ये वाला चादर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका कलर ही अलग है, एकदम खिला खिला कलर है, जब मतलब बिछेगा तो लगेगा कि हाँ भाई चादर बिछा है, क्योंकि थोड़ा मस्त लग रहा है इसलिए, और वो तो लगेगा ही नहीं कि चादर बिछा है, लेकिन ठीक है दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है, कलर अब एक ही नहीं ना बिछा सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ये है खोल, तकिया का खोल, इसमें भी दो खोल दिया है, और देख सकते हैं आप लोग, लेकिन उसका खोल बड़ा है, इसका खोल छोटा दिया है, ठीक है, तकिया भी उतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो ये है दोनों चादर, और ये पक्का ईद वाले दिन ही बिछेगा, क्योंकि थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब दिखाती हूँ मैं आप सबको चादर,
अब दिखाती हूँ मैं आप सबको चादर। तो ये है चादर, देखिए आप सब। ये चादर उससे बड़ा क्यों लग रहा है, इसके में वजन है ज्यादा। हाँ वो वाला चादर हल्का लग रहा है, ये वाला हल्का लग रहा है, ये वाला थोड़ा लग रहा है वजन। हो सकता है धोने के बाद सॉफ्ट हो जाए। वो वाला भी है, ये थोड़ा मिक्स है। अच्छा ये मिक्स है, वो कॉटन है। हाँ क्योंकि हाँ उसका कपड़ा एकदम सॉफ्ट था और इसका इसका भी सॉफ्ट ही है, लेकिन ये थोड़ा कैसे बताऊँ, मतलब ये थोड़ा टाइट टाइट लग रहा है और वो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, लेकिन धोने के बाद ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत प्यारा लग रहा है, हम ईद के दिन यही बिछाइएगा। तो अभी हम इसको फोल्ड कर देते हैं। इसमें भी दिया है कैटलॉग, हम नहीं दिखाए हैं आप सबको। चादर के बीच में था, साइड में नहीं था, पता नहीं शायद हम ध्यान नहीं दिए होंगे। तो ऐसे ही है, देखिए सेम ऐसे ही चादर है। सेम तो नहीं है, नहीं सेम ही है, इसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही फिल्टर लगा दिया है, लो एडिट ज़्यादा हो गया। सेम ऐसे ही चादर है, सेम ऐसे ही। फोटो में और रियल में बहुत फ़र्क होता है, जैसे कि मुझे देख लीजिए लो, मैं रील्स में कितनी अच्छी लगती हूँ इंस्टा पे। रील्स में मैं कितनी अच्छी लगती हूँ क्योंकि रील्स में फ़िल्टर रहता है, कभी DSLR वाला फ़िल्टर लगा लेती हूँ, कभी आईफोन वाला फ़िल्टर लगा लेती हूँ, भले ही आईफोन नहीं है लेकिन आईफोन का फ़िल्टर यूज कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं इतनी अच्छी लगती हूँ। अब बाकी व्लॉग देख रहे हैं लो आप लोग, तो व्लॉग तो जाहिर सी बात है रियल कैमरा से शूट होता है, तो बस ये मेरा चेहरा रियल है, रियल कैमरा, क्या करूँ। हम कार ले हैं तो क्या दिलवा ले हैं। तो अब इस चादर को भी रख देते हैं फटाफट से। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा लोग कैसा लग रहा है। मुझे तो ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि इसमें रेड भी है, थोड़ा खिला खिला कलर लग रहा है, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये वाला भी अच्छा ही लग रहा है, ठीक है ये भी। तो आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है इन दोनों में कमेंट करके ज़रूर बताइए लो, ठीक है। तो ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग ये सब देखेंगे, ये सब जो भी मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ, और भी बहुत कुछ है जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है इन दोनों में कमेंट करके ज़रूर बताइए लो, ठीक है।